आखिर आरक्षण का पूरा श्रेय कांग्रेस क्यों ले रही है? आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा कि गांधी और नेहरू के योगदान से ही नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण को मान्यता दी गई? आखिर बार बार कांग्रेस आरक्षण को लेकर झूठे भ्रम क्यों फैला रही है? क्या कांग्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ साजिश की? ये सवाल हम नहीं बल्कि ये सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस से पूछ रही है। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। सरकार ने कहा कि क्रीमी लेयर संविधान में नहीं है और वो अंबेडकर के संविधान के साथ है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बयान आया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो भी SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। बता दें अब इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM मायावती कांग्रेस पर हमलावर हो गई। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले के ऊपर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने गांधी नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू के योगदान से ही नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण को मान्यता दी गई। अब इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस को घेरा है। एक के बाद एक बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट किया। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में गोल मटोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ही सीटें जीती हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि देश में SC और ST वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी NGOs और वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। वहीं तीसरे ट्वीट में मायावती लिखती हैं कि जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को विवश किया। वहीं चौथे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि कल BSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे SC ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। बहरहाल आपको बता दें, इससे पहले मायावती ने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए BJP के SC ST सांसदों को यह आश्वासन देना है कि SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा SC ST के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, ये उचित और ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का SC ST आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में आरक्षण यानी कोटा में कोटा दिए जाने की बात कही थी और इसकी मंजूरी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि SC ST के अंदर ही सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, जिसके तहत अति पिछड़े वर्ग को अलग से आरक्षण दिया जा सके। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का भी जिक्र किया था, तभी से ये मामला चर्चाओं में आया है और मायावती लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही हैं।